हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार अगेन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोविजन थ्रो क्वेश्चंस। वी विल डिस्कस 10 और 15 और 20 क्वेश्चन डेली एंड वी विल लर्न मोर सॉल्विंग प्रैक्टिस एमसीक्यूज थ्रो। स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो एमजी नरेगा स्कीम से रिलेटेड है। एमजी नरेगा तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। विद रेफरेंस टू दैट यू हैव टू आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज सेइंग दैट एमजी नरेगा मैंडेट्स इट्स टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड हु वॉलेंटियर। तो वी नाउ दैट एमजी नरेगा इज ए डिमांड बेस्ड, तो इट इज ए डिमांड बेस्ड स्कीम है गवर्नमेंट की। एमजी नरेगा एक 2005 के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके अंदर 100 डेज का गारंटिड वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है अनस्किल्ड टू एवरी हाउस होल्ड इन ए फाइनेंशियल ईयर। एवरी रूरल हाउस होल्ड को दिया जाता है हु वॉलेंटियर, जो काम करना चाहते हैं, अनस्किल्ड वर्क करना चाहते हैं। दिस इज करेक्ट है, ये ए तो करेक्ट है। बी देखते हैं, द स्कीम वर्क ऑन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो इसका जो एमजी नरेगा है उसके थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी स्ट्रेंथन होते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट है। एंड इसके लिए क्या है, सोशल ऑडिट मैंडेटरी कर दिया गया है। सोशल ऑडिट एमजी नरेगा के लिए मैंडेटरी है। तो इसके अंदर जो भी एसेट बनाए जाते हैं, जैसे कि जोहड़ है, वाटर सेड मैनेजमेंट किया जाता है गांव वगैरह में, तो वहाँ पे इसका सोशल ऑडिट मैंडेटरी हो गया। उसके थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी क्या है, स्ट्रेंथनिंग हो गई है। देन सी इज दैट वन ऑफ द गोल्स ऑफ एमजी एनआरएस इज टू रेजुवनेट द नेचुरल रिसोर्स बेस ऑफ द नेचुरल रूरल एरियाज का नेचुरल रिसोर्स बेस को रेजुवनेट करना है, वन ऑफ द गोल्स। दिस इज ऑल्सो करेक्ट है, दिस इज वन ऑफ द गोल्स ऑफ एमजी एनआरएस। एंड डी ऑप्शन कहता है कि स्टेट्स हैव द फ्रीडम टू आइदर इम्प्लीमेंट द स्कीम और गिव 100 डे एम्प्लॉयमेंट थ्रू एनी अनदर स्कीम। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो करंटली एमजी नरेगा 644 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडिया के अंदर ये इम्प्लीमेंट की जा रही है। पूरे ऑल ओवर इंडिया इसको स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। तो इसको आपको बताना है, नॉट करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। नॉट करेक्ट इज डी, इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। तो मैंडेट ऑफ इसके बारे में देखते हैं, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। मैंडेट ऑफ इज टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटिड वेज अनएम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड हुज अडल्ट मेंबर वॉलेंटियर करना चाहते हैं, वॉलेंटियर करते हैं, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहते हैं, तो उनको दिया जाता है। ठीक, तो इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द कंट्री इन द 644 डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर द कंट्री। इसको रूरल एरियाज के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है। तो वट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमजी एनआरएस के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? टू प्रोवाइड नॉट लेस देन 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क देना है। दैट इज डिमांड बेस्ड हो जाएगा, यानी कि जब आप डिमांड करोगे 15 दिन में आपको काम दिया जाएगा। यदि 15 दिन में काम नहीं दिया जाता है तो उसके लिए आपको क्या है, एक भत्ता दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे जो काम होगा उससे प्रोडक्टिव एसेट बनाया जाएगा, जैसे कि कोई भी एम्बैंकमेंट का काम हो सकता है, देन एसेट ड्यूरेबल क्वालिटी के एसेट बनाने के बारे में बात करती है। इट स्ट्रेंथन द लाइवलीहुड रिसोर्स बेस्ड, सोशल फॉरेस्ट्री में भी इसका यूज किया जा सकता है। लाइवलीहुड रिसोर्स बेस को रूरल एरियाज में स्ट्रेंथन होगा। फिर इट विल प्रमोट सोशल इंक्लूजन, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो सोशल इंक्लूजन भी बढ़ेगा। एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है एमजी एनआरएस का। तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट हियर। तो व्हाट आर द गोल्स ऑफ एमजी एनआरएस का गोल्स क्या है, सोशल प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो इट इज एक्टिंग एज ए हेजिंग फॉर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल इन द टाइम ऑफ रिसेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोविड में लोग वापस गए थे शहर से, तो वहाँ पर उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क दिया गया था जिसके कारण उनको वेजेस मिल रहे थे। तो ये सोशल प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। देन इन्हांस द रूरल, इट विल सेकेंड इज इन्हांस द लाइवलीहुड सिक्योरिटी, इन्हांस होगी जैसे कि इनकम होगी, तो ये अश्योर्ड 100 डेज का इसमें आपको इनकम मिल रही है तो आपकी लाइवलीहुड भी बनी रहेगी। ठीक है, रेजुवनेट द नेचुरल रिसोर्स बेस को ये नेचुरेट करेगी। ठीक है, एंड इसके कारण ड्यूरेबल एंड प्रोडक्टिव रूरल एसेट बेस भी क्रिएट होंगे। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये सारे इसके गोल्स हैं। देन नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन है, वो रिलेटेड है टू कोलाफेजा माइन।
क्लोफेजिमाइन इज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, ये किस, ये एक ड्रग है, क्लोफेजिमाइन इज ए ड्रग है जो कौन सी डिजीज से रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो ये डिजीज कौन सी डिजीज से रिलेटेड है, ये लेप्रोजी से रिलेटेड है, लेप्रोजी, इतना ही जानना है इसके बारे में, जानने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो इट फिट्स सोल्यूबल ब्रिक रेड डाई होती है, एक डाई है जो कि यूज की जाती है लेप्रोजी की थेरेपी में यूज की जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज, कीप इट ऑन कंपेनियन, रिगार्डिंग आपको कीप इट ऑन कंपेनियन है, तो क्या कीप इट ऑन, तो कीप इट ऑन तो ये रिलेटेड है इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड है, इंटरनेट शटडाउन, ठीक है। तो गवर्नमेंट शटडाउन कर देती है तो इंटरनेट बंद हो जाता है, तो उसके लिए ये कंपेनियन है, वो मांग करता है कि इंटरनेट को ऑन रखा जाए हमेशा। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि दिस कंपेनियन इज लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो इंटरनेट, राइट टू इंटरनेट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए बेसिक ह्यूमन राइट बाय द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसने यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑन ह्यूमन राइट ने इंटरनेट को बेसिक ह्यूमन राइट रिकॉग्नाइज कर लिया है, परंतु ये जो कंपेनियन है वो है असेस नाउ का कंपेनियन है, असेस नाउ एक इंस्टीट्यूशन है, एनजीओ है असेस नाउ जिसका ये कंपेनियन है, तो ये इसका यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑन ह्यूमन राइट्स का कंपेनियन नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कहता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड नहीं है, इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ देम इज करेक्ट हियर। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ऑफिस हैज रिलीज द रिपोर्ट विच स्टेट दैट इंटरनेट शटडाउन हर्ट्स मोर देन वी रियलाइज। तो यहाँ पे इस पे एक रिपोर्ट आई थी, तो ये जो कंपेनियन है कीप इट ऑन का कंपेनियन है एसएस नाउ के द्वारा है, ठीक है, तो इसके इंटरनेट शटडाउन से ये रिलेटेड है। देन नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, तो ये रिपोर्ट है वो आरबीआई के द्वारा रिलीज की जाती है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज करता है इसको, बाई मंथली रिलीज किया जाता है, बाई एनुअली यूज किया जाता है, बाई एनुअली एक साल में दो बार इसको रिलीज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को, एंड किसके बिहाफ पे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है एक एस्टेब्लिश की गई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर आती है, जिसके अंदर बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं जैसे कि सेबी है, इरडा है, उनके मेंबर इसमें इंक्लूड किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, उसके बिहाफ पे आरबीआई ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट है हु रिलीजेस द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ये रिपोर्ट रिलीज करता है, बी फॉर बॉम्बे। देन तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम है वो 2002 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, 2002 के अंदर एज ए ड्रग कंट्रोल के लिए, ठीक है, प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग द ड्रग यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, सिक्स्थ क्वेश्चन इज रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड किया जाता है, ये यस दिस इज इलेक्टेड किया जाता है एज बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द राज्यसभा ओनली। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं, इसमें स्टेट वाले सदस्य नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट वाले होते हैं, तो यानी कि एमएलएज का रोल होता है प्रेसिडेंट में के इलेक्शन में, परंतु वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल राज्यसभा और लोकसभा का एमपीज का रोल रहता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रोल रहता है, एमएलएज का रोल नहीं रहता है, तो ओनली राज्यसभा है तो नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये राज्यसभा एंड लोकसभा बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यस दिस इज करेक्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ऑफ द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट। तो थर्ड इज ऑल द डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग इन कनेक्शन ऑफ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया आर इंक्वायर्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट, दिस इज करेक्ट है। तो कोई भी डाउट हो जाएगा इसके वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए या फिर प्रेसिडेंट दोनों के लिए इलेक्शन में कोई भी डाउट हो जाए तब भी ये सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3, डी फॉर दिल्ली। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड अंडर आर्टिकल 66(1) के अंदर इलेक्ट किया जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है, एंड वोटिंग इज डन बाय द सीक्रेट बेल्ट के द्वारा होती है, इनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से इनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। एंड
कोई भी डाउट्स होगा तो वो डिसीजन डिस्प्यूट होगा, डाउट होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वैसे इकोनॉमिक 550 में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। दीज आर मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज करेक्ट है, दीज आर स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट होती हैं। इसके अंदर स्मॉल डिपॉजिट की फैसिलिटी होती है, लाइक पोस्ट ऑफिस बैंक डिपॉजिट होते हैं, उसमें क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा जो इस पर इंटरेस्ट देती है एज कम्पेयर टू द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय द बैंक्स। तो सेकंड इज दे प्रोवाइड रिटर्न्स दैट आर जनरली हायर देन दी देन बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट से, यानी कि जब हम बैंक पे डिपॉजिट करते हैं तो उस पर हमें एक इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट देती है स्कीम्स में, तभी तो उसमें लोग यहाँ पे इंटरेस्ट करते हैं, वरना अपने फिक्स्ड अकाउंट में डिपॉजिट कर लेते। तो दे प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट भी मिलता है इन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट है। एंड दीज आर लिंक टू यील्ड ऑन बेंचमार्क गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, जो इनको लिंक कर दिया गया है बेंचमार्क गवर्नमेंट बॉन्ड्स की साथ इनको लिंक कर दिया गया, तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट है। तो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को गवर्नमेंट यील्ड की यील्ड से इनका गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड से लिंक किया गया है। तो दीज आर ए सेट ऑफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद एम टू इंक्रीज सिटीजन टू सेव रेगुलरली। तो हैबिट ऑफ सेविंग को, सेविंग कल्चर को प्रमोट करने के लिए इसको स्कीम को लाया गया है। हायर रिटर्न दिए जाते हैं एज कम्पेयर टू द फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो इसको पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम इसमें अंदर आती है, सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर आते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम इसके अंदर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फेडचेनको ग्लेशियर, फेडचेनको ग्लेशियर इज लोकेटेड इन तजाकिस्तान में है, ये कहाँ पे है, फेडचेनको ग्लेशियर इज इन तजाकिस्तान, इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर फाउंड आउटसाइड द पोलर रीजन, दिस इज करेक्ट है, फेडचेनको ग्लेशियर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन। सेकेंड स्टेटमेंट इज फारखूर एयरबेस इन तजाकिस्तान, तो फारखूर एयरबेस कहाँ पे है, तजाकिस्तान में है, इज ऑपरेटेड बाय इंडियन एयरफोर्स, ये इंडियन एयरफोर्स का द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला एयरफोर्स है इन कोलाब्रेशन विद द तजाकी एयरफोर्स, ठीक है। तो फारखूर एयरबेस है वो सेंट्रल एशिया के अंदर, यानी कि या फिर कहीं पे भी इंडिया का फर्स्ट एयरफोर्स स्टेशन है आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो सेकेंड भी करेक्ट है, फारखूर इन तजाकिस्तान, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता। नेक्स्ट, तो फेडचेनको ग्लेशियर इज इन तजाकिस्तान, ये हमने देख लिया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप, मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, MEMSG। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए है ये मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि MEMSG इज क्रिएटेड टू गिव इफेक्ट टू कोलंबस सिक्योरिटी डायलॉग को इफेक्ट देने के लिए लिया गया है, ये गलत बात है, ये कोलंबो को सिक्योरिटी डायलॉग को नहीं है, कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग है वो अलग है, ठीक है, वो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड है, परंतु उसको इफेक्ट देने के लिए नहीं है ये। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हुआ था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन को इफेक्ट देने के लिए इसको लाया गया है, मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इज द डिफैक्टो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं। तो ये पहले हुआ करता था, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल जी, पहले हुआ करते थे नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, परंतु अभी इसकी पोस्ट को अलग से नई पोस्ट क्रिएट कर दी गई है नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को। एंड तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये स्टैंड अलोन पोस्ट बनाई गई है अभी। दैन थर्ड इज रोल ऑफ नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर इज टू इंश्योर कोहेजन अमॉन्ग स्टेक होल्डर लाइक इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड के बीच में, ये कोहेजन को सिक्योर करेगा। तो दिस इज करेक्ट है, ये करेक्ट है, तो थर्ड करेक्ट है, ठीक है। तो थर्ड ओनली सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर हो जाएगा। तो मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप इन 2021 के अंदर ये क्रिएट कर दी गई है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, तो के रिकमेंडेशन पे इसको क्लियर किया गया है, ठीक है। एंड ये इसका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरीट के अंदर होगा, तो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरीट है जो कि हेड किया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को कौन हेड करता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है दैट इज हेडिंग, उसी के अंडर में आएगा ये नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफिस, ठीक है। एंड दी डिफेक्टो नहीं होता है ये, ठीक है। दैन वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को पहला नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जी अशोक कुमार को अपॉइंट किया गया है। दैन ये इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड उनके बीच में एक कोहेजन का काम करेगा, ठीक है। एंड रिकमेंडेशन ऑफ द 2001 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे इसको एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन हैबिटेट, यूएन हैबिटेट,
अर्बन एजेंडा को लिए इसको लाया गया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि यूएन हैबिटेट प्रमोट अर्बनाइजेशन टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए वो बोलता है कि वो अर्बनाइजेशन प्रमोट करो, ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट होगा तो इनइक्वालिटी कम होगी। तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि इट्स न्यू अर्बन एजेंडा, यानी कि यूएन हैबिटेट का न्यू अर्बन एजेंडा है, इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 से रिलेटेड है, तो ये सिटीज से रिलेटेड है। तो इसी ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता। तो ये यूनाइटेड नेशन यूएन हैबिटेट है, वो एक वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट रिलीज करता है, वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022 वाली इसने रिलीज की है। ठीक है, ये कहता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2035 तक 235 तक कितनी हो जाएगी, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 235 तक 675 मिलियन हो जाएगी अर्बन पॉपुलेशन वर्ल्ड की। ठीक है, एंड इंडिया की हो जाएगी इतनी। ठीक है, इंडिया की हो जाएगी। एंड अर्बन एजेंडा प्लेटफॉर्म है, अर्बन एजेंडा प्लेटफॉर्म क्या है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है एंड यूएन हैबिटेट का ऑनलाइन पोर्टल है फॉर शेयरिंग नॉलेज को शेयरिंग करने के लिए, बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करने के लिए अर्बन एजेंडा प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि हेल्प करता है हमें एसडीजीज को अचीव करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अल्लूरी सीताराम राजू के रिगार्डिंग है। तो फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे ये। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि ही वॉज ए पोलिटिकल एक्टिविस्ट हु फाउंडेड द बॉम्बे प्रेजिडेंसी एसोसिएशन, ये गलत है, तो इन्होंने ये फाउंड नहीं किया था, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये रॉन्ग है, इससे रिलेटेड नहीं है, इनसे रिलेटेड नहीं है। ही लेड द फेमस रंपा रेबेलियन और मनियम रेबेलियन इन मद्रास प्रेसिडेंसी, तो दिस इज करेक्ट है, ही हैज लेड द मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर रंपा रेबेलियन और मनियम रेबेलियन को अल्लूरी सीताराम राजू ने लेड किया था। एंड थर्ड इज ही टुक द लीडरशिप ऑफ सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट फ्रॉम साउथ इंडिया, तो सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट साउथ इंडिया नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देन ही इसका टू ओनली सी फॉर कलकत्ता, इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता। ठीक है, देन इसका आंसर सी फॉर कलकत्ता है, ये गलत हो जाएगा, सिविल डिसोबिडेंस से पहले ही इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो अल्लूरी सीताराम राजू है, तो इनका जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने ये न्यूज़ में क्यों रहे थे, क्योंकि जुलाई के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ऑल ईयर सेलिब्रेशन होगा, पूरे साल इनका सेलिब्रेशन किया जाएगा। ठीक है, एंड ही वॉज बॉर्न इन 1897 के अंदर ये बॉर्न हुए थे, एंड आंध्र प्रदेश के अंदर ये बॉर्न हुए थे। ठीक है, इनको कैप्चर कर लिया गया था चिंतापल्ली फॉरेस्ट में, इनको कैप्चर कर लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा एंड इनको हैंग कर दिया गया था। ठीक है, 1924 में इनकी डेथ हो जाती है, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट तो बहुत बात में आता है। ठीक है, देन एज ऑफ 27 में इनकी मौत हो जाती है। ठीक है, देन स्टेटमेंट टू इज करेक्ट है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज पास द मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास किया था 1882 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसके अंदर इन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर दिया गया था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो पोडू कल्टीवेशन बोला जाता है साउथ के अंदर, तमिलनाडु के अंदर पोडू कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को उसने प्रोहिबिट कर दिया था, उसके अगेंस्ट में इन लोगों ने क्या है ये लेके आए थे, मूवमेंट लॉन्च किया गया था फॉरेस्ट एरियाज के अंदर, रंपा रेबेलियन बोला जाता है, रंपा रेबेलियन और मनियम रेबेलियन बोला जाता है, 1922 से 24 तक चलाया था अगेंस्ट द फॉरेस्ट एक्ट इन दी विशाखापट्टनम गोदावरी एरियाज के अंदर इन लोगों ने चलाया था। ठीक है, दैन ही गैल्वेनाइज दी ट्राइबल्स टू दी फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस टू द ब्रिटिश। ठीक है, दैन इन्होंने बो और एरो से ब्रिटिश का सामना किया था एंड सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट के दौरान है, परंतु विशाखापट्टनम गोदावरी एजेंसी के अंदर इन लोगों ने लीड किया था। ठीक है, दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग रिसेंटली सीन इन न्यूज अकुला क्लास न्यूक्लियर सबमेरिन, अकुला क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमेरिन हैज टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम विच कंट्री, हैज टू बी इम्पोर्टेड, हम इम्पोर्ट करेंगे कहाँ से इम्पोर्ट करेंगे, यूक्रेन से इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इंडिया इज लुकिंग फॉर थर्ड रिसीव द थर्ड अकुला क्लास सबमरीन फ्रॉम द यूक्रेन। ठीक है, इंडिया हैज साइंड अ सेपरेट डील फॉर यूक्रेन फॉर 8 जोरिया, हम जोरिया मैस्प्रोपेट गैस टर्बाइन इंजन भी यूक्रेन से खरीदेंगे, जोरिया मैस्प्रोकेट टर्बाइन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग, ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर, ये टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन के लिए एक फ्लाइंग विंग बनाई गई है, उसको रिगार्डिंग है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि इट इज डिजाइन एंड डेवलप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी एंड डेमोस्ट्रेटर, इट इज डेवलप बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप की गई है, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। सेकंड कहता है कि इट इज पावर्ड बाय ए स्मॉल टर्बोफैन इंजन के द्वारा पावर की है, दिस इज करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट हैज़ द पोटेंशियल टू डिलीवर हाई फ्यूल एफिशिएंसी एंड स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, यानी कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी यानी कि छुप जाता है, तो ये हाई फ्यूल कैपेसिटी होती है इसकी, दिस इज करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, तो ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन हैज 2 और 3, तो इट इज डेवलप्ड बाय द DRDO एंड कैरीड आउट द मेडन फ्लाइट, ये क्या है
अनमैंड एरियल व्हीकल है, ये एक अनमैंड एरियल व्हीकल है एंड ये ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा, ठीक है। एंड ये फ्लाइंग विंग की तरह फ्लाई पायलट को ट्रेन करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। एंड तो यूएसए का है, यूएस का एक B-2 बॉम्बर है इनका, उसी तरह से इसको बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एंथ्रैक्स डिजीज है ये। विद रेफरेंस टू एंथ्रैक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि इट इज अ सीरियस इन्फेक्टियस डिजीज, एंथ्रैक्स इज अ सीरियस इन्फेक्टियस डिजीज कास्ट बाय ए रोड सैप्ड वायरस वायरस नॉन एज बेसिलस एंथ्रैक्स। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है, एंथ्रेक्स एक क्या है बैक्टीरियल डिजीज है, तो वायरस नहीं है, यहाँ पे बैक्टीरिया कर दो फिर ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया है तो बाकी सही है। इट इज अ सीरियस इन्फेक्टियस डिजीज कॉज बाय ए रोड सैप बैक्टीरिया नॉन एज बेसिलस एंथ्रेसिस, दिस इज रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देन इट अकर्स नेचुरली इन द सोयल्स, सोयल्स में अकर करता है एंड कॉमनली अफेक्ट द डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल को, ये अफेक्ट करता है, दिस इज करेक्ट। इट इज यूजली फाउंड इन इंडिया साउथ साउदर्न स्टेट, इज लेस फ्रिक्वेंटली फाउंड इन नॉर्दर्न स्टेट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट है, तो ये साउदर्न स्टेट में पाया जाता है, साउदर्न स्टेट में। देन इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3, डी फॉर सी फॉर कलकत्ता, इसका आंसर है सी फॉर कलकत्ता। देन तो एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स को एक दूसरा नाम भी बोला जाता है मेलाइंट पुस्टुले, मेलाइंट मेलाइंट मेलाइन पुस्टुले और वूल सॉर्टर डिजीज भी बोला जाता है इसको, वूल सॉर्टर डिजीज जो कि इफेक्ट करती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा कॉज की जाती है, इट इज कॉज्ड बाय द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड इट नेचुरली अकर इन द सोइल्स, तो बैक्टीरिया होता है वो सोइल में पाया जाता है, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल को ये इफेक्ट करता है। इट इज अ जूनोटिक डिजीज है, यानी कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है इसका, एंड इट हैज यूजली फाउंड इन इंडियन साउदर्न स्टेट, लेस फाउंड इन द नॉर्दर्न स्टेट में कम पाई जाती है, ठीक है। एंड ये न्यूज में क्यों रहा था, यहाँ पे क्या है सेवरल क्रासेस ऑफ वाइल्ड बोअर को ये इफेक्ट किया था केरला के अंदर, तो वहाँ पे ये मर गए थे, इस कारण ये न्यूज में था। Then recently the Lisbon Declaration was in news, it am said, इसका एम क्या है, ये Lisbon Declaration है वो इस ocean conservation से related है, तो they want to reduce the marine pollution को कम करना चाहते हैं, इसके अंदर marine pollution को समुद्री pollution को वो कम करना चाहते हैं, ठीक है। Then इसका जो है 198 countries ने इसको sign कर लिया गया है Lisbon Declaration को, to control the marine pollution and through nutrient pollution को कम करेंगे, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज को रोकेंगे, सॉलिड वेस्ट डिस्चार्ज को भी रोकेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे हम, तो फिर उसको समुद्र में छोड़ेंगे, हजारडियस सब्सटेंसेस को रिड्यूस करेंगे, देन इमिजन फ्रॉम द मैरीटाइम सेक्टर को रिड्यूस करेंगे, देन एंथ्रोपोजेनिक अंडर वाटर नॉइज को भी कम करेंगे, तो मरीन पॉल्यूशन को कम करने के बारे में बात की है। तो ये था हमारा पहला लेक्चर रिगार्डिंग दी एमसीक्यूज, धन्यवाद।